आज ब्रिटिश पाकिस्तानी जो है ना टेन डाउनिंग स्ट्रीट के सामने सरापा एहतजाज है वतन अजीज पाकिस्तान के खिलाफ। कुछ अलाकार जो है ना बैरून ममालिक में बैठ कर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, पाकिस्तान की अफवाज और अवाम को आपस में लड़ाते हैं। हम उसके लिए उसके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। आज ब्रिटिश पाकिस्तानियों ने इस बात का इनिशिएटिव लिया और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्तों में इस्तेकाम पाकिस्तान की रैलियां जलसे जुलूस बरतानिया भर में होंगे। और आज इसका इनिशिएटिव लिया गया है बरतानिया 10 डाउनिंग स्ट्रीट से। इसका दायरा कार बहुत जल्द पूरे बरतानिया में फैलेगा। इस हवाले से हम अपने जो शुरका है यहाँ पर जो शरीक है उनसे जानना चाहेंगे उनके इस हवाले से क्या जज्बात एहसास और ख्याल है। हमारी आन हमारी शान अफवाज पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान। देखिए जी, हम आज बर्मिंघम से स्पेशल डोनिंग स्ट्रीट के बाहर जो है वो मुजाहरा कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि अपनी जो मसला अफवाज पे हमें फख्र है, हमारा वो फख्र है, हमारा हर वक्त जो है वो पाकिस्तान की सरहदों पे वो रहकर अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। बड़ा सिंपल सा कुलिया है, किसी जब मुल्क को कमजोर करना हो तो उसकी अवाम को जो है वो फौज के सामने कर दें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फौज है ये दुनिया की टॉप 10 इसका फौज का शुमार होता है। हमारी फौज कमजोर नहीं है, हम भी अवाम भी जो है फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। इंशाल्लाह जो भी फौज पाकिस्तान के साथ जो अंदरूनी व बैरूनी साजिशों में मसरूफ है उन्हें नाकामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। फौज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदावा। अगर फौज है हमारी तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो फौज है। हम उनके साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान। 9 मई को जो वाकया हुआ है पाकिस्तान में, मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। फौज पाकिस्तान जो है वो हमारी फौज है, वो पाकिस्तान है तो फौज है तो पाकिस्तान भी है। और जिनने भी ये काम उधर किया है उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए और जो जो भी इसमें शामिल है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। 75 साल में भी कोई ऐसा काम पहले नहीं हुआ जो अब ये हुआ है 9 मई को। इसलिए पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी आन हमारी शान, पाक फौज जिंदाबाद। आज हम अवर से पाकिस्तानी और कश्मीरी बरतानवी वजीर आजम की रिहाश के बाद अपने पाक फौज के साथ आजाद जेती के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। हम पहले की तरह हर महाज पर अपने पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। हम पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान जो है हम उससे आधार यकजहती करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम दामे दिरमे सुखने कदमे अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ। हमारा अफवाज पाकिस्तान जो है वो बुनियाद पाकिस्तान है। जब आप बुनियाद को फाउंडेशन को ही कमजोर करोगे तो फिर रह क्या जाएगा। यहाँ लंदन में भी कुछ अनासिर है पाकिस्तान फौज से भाग के यहाँ आए हुए हैं, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ नाजरा कामें कर रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, खतरनाक तरीके से पेश आ रहे हैं। मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज के बारे में ये प्रोपेगेंडा और साजिशें बंद कर दें, अदरवाइज हम कानून के मुताबिक ब्रिटिश कानून के मुताबिक हम जाएंगे, पार्लियामेंट में भी जाएंगे, हम अदालत में भी जाएंगे और आप लोगों को बहुत बुरा हाल कर देंगे। पाकिस्तान कोई लावारिस नहीं है। अगर हमारी अफवाज जो है वो मजबूत है, मसल्ला अफवाज पाकिस्तान को जो है हम मजबूत बनाते हैं तो फिर पाकिस्तान का इस्तेकाम और पाकिस्तान की मजबूती जो है फिर ही मुमकिन है। जिंदाबाद।